एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है, भारत में कुल कितनी ट्रेनें हैं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। कोरोना काल का वो मुश्किल वक्त तो आपको याद ही होगा दोस्तों, जब सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था, तब कैसे पूरे देश में हाहाकार मच गया था। जो जहां था वही फंस गया था। काम बंद होने की वजह से हजारों मजदूर पैदल हजारों किलोमीटर तक पैदल लंबे सफर पर निकल गए थे। सब कुछ जैसे ठप सा हो गया था। यह सब क्यों हुआ था? भारत की जीवन की रेखा भारतीय रेल 160 साल से भी अधिक के इतिहास में पहली बार पूरी तरह से थम गई थी। बीमारी तेजी से ना फैल जाए, इसलिए सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया और रेल सेवा भी पूरी तरह से बंद कर दिया था। सही बताऊं तो रेल हमारे लिए ओनली सेवा ही नहीं, पूरा सिस्टम उसी से है। तभी तो उसे चलाने के लिए अलग से मंत्रालय बनाया गया। रेल ना हो तो हमारे देश के लोगों का काम ही नहीं चल सकता। लेकिन हमसे कितने लोग इस बात को सोचते हैं कि एक ट्रेन को बनाने में सरकार का कितना खर्च होता है, भारत में कितनी ट्रेनें हैं, इसका नेटवर्क कितना बड़ा है, रोजाना कितने लोग ट्रेन में सफर करते हैं, एशिया या पूरे दुनिया में भारतीय रेल का क्या रुतबा है। तो चलिए आज इस वीडियो में भारतीय रेल से जुड़े तमाम जानकारी हम आपको बताएंगे, जिनके बारे में जान के आपको भी भारतीय होने का गर्व महसूस होगा। सबसे पहले ट्रेन की कीमत की बात करते हैं। जैसा कि हम सब लोग ये जानते हैं कि कोई भी ट्रेन दो अलग अलग हिस्सों से जुड़ के बनती है। पहला हिस्सा इंजन, जो पूरी ट्रेन को खींचता है, और दूसरा हिस्सा इसमें जो रेल का डिब्बा यानी कि कोच, जिनमें सवार होकर मुसाफिर अपना सफर तय करते हैं। मतलब ये हुआ कि हमें पूरी ट्रेन की कीमत जानने के लिए सबसे पहले हमें इंजन और डब्बे की कीमत जाननी होगी। वैसे तो ट्रेन की कीमत से जुड़ी जानकारी बहुत ही कम बाहर आ पाती है, फिर भी कुछ रिपोर्ट की सच माने तो एक इंजन को बनाने के लिए तकरीबन 20 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। क्योंकि रेल के इंजन भारत में ही बनाए जाते हैं, इसलिए उनका खर्च कम आता है। यही अगर ये इंजन देश के बाहर बनाए जाते तो यकीनन डबल खर्चा आता। और अब एक कोच की कीमत भी जान लेते हैं। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि मुसाफिरों को मिलने वाली सुविधा के हिसाब से अलग अलग कोच तैयार किए जाते हैं। जैसे जिनको एसी का सफर लेना है, उनके लिए एसी कोच होते हैं। जो एसी का किराया नहीं भर पाते, वो स्लीपर में सफर करते हैं, और जो स्लीपर में भी सफर नहीं कर सकते, उनके लिए जनरल डब्बे होते हैं। यानी कोच साइज बनावट में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन अंदर की मिलने वाली सुविधा अलग अलग होती है। वैसे आजकल छोटी दूरी सफर तय करने के लिए ट्रेनों में चेयर कार भी बनी होती है। उन सभी कोच के बनाने के खर्च में ज्यादा अंतर नहीं होता। एक कोच करीब 2 करोड़ रुपए में तैयार होता है। अब ये समझ लीजिए कि एक एक्सप्रेस में मैक्सिमम 24 डिब्बे लगे होते हैं। इस हिसाब से एक ट्रेन में लगे सभी कोच की कीमत 2 करोड़ के हिसाब से 24 डब्बों का 48 करोड़ होता है। इसमें इंजन की कीमत यानी 20 करोड़ रुपए और जोड़ दीजिए तो पूरी ट्रेन की कीमत 68 करोड़ हो जाती है। यानी एक ट्रेन को बनाने में करीब 70 से 80 करोड़ का खर्च आ ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको ये भी बता देते हैं कि भारत में कुल कितनी ट्रेनें हैं। तो दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय रेलवे का नेटवर्क 1,17,000 किलोमीटर लंबा है, और इतनी लंबी ट्रैक पर करीब 15,000 रेलगाड़ियां दौड़ती हैं। पूरे देश में 6,000 से भी ज्यादा स्टेशन हैं। करीब 2 करोड़ लोग डेली ट्रेन में यात्रा करते हैं। और दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि भारत में 8,000 से भी ज्यादा मालगाड़ियां भी हैं। और ये भी जान लीजिए, भारतीय रेलवे का नेटवर्क दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। हालांकि टेक्नोलॉजी के मामले में ये तीनों देश भारत से कई ज्यादा आगे हैं। और वैसे आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले रेल सन 1853 में दौड़ी थी, जबकि चीन में 23 साल बाद यानी 1876 में, जब भारत आजाद हुआ था, उस समय भारतीय रेलवे की लंबाई 53,596 किलोमीटर थी, जबकि चीन का रेल नेटवर्क सिर्फ 27,000 किलोमीटर ही था। आजादी के इन 75 सालों में भारत में केवल 10,000 किलोमीटर या उससे कुछ ही अधिक की बढ़ोतरी हो पाई, जबकि चीन की 78,000 रेल नेटवर्क के साथ भारत से काफी आगे निकल गया है, और उसका रेल नेटवर्क भारत के मुकाबले फैलता ही जा रहा है। दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे ये जान के कि भारतीय रेल में सालाना करीब
800 करोड़ लोग सफर करते हैं, तभी भारतीय रेल दुनिया में सबसे बेस्ट मानी जाती है। सिर्फ यही नहीं, भारत में सबसे बड़ा जॉब सेक्टर रेल ही है, क्योंकि इसमें 13 लाख लोग काम करते हैं। अब हम आपको भारतीय रेलवे से जुड़ी कुछ और फैक्ट्स बताते हैं। आइए जानते हैं कि देश में पहली बार 18 दिसंबर 1851 को रेल पटरी पर दौड़ी पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच। इस ट्रेन में भाप इंजन के साथ 14 डिब्बे लगे थे और इसने 35 किलोमीटर का सफर तय किया था। साल 1936 में पहली बार यात्री के डिब्बे को एयर कंडीशन बनाया गया था। साल 1950 में भारतीय ट्रेन का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जब साल 1952 में भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी, तब उसके 6 जोन हुआ करते थे, जिसकी संख्या अब 17 तक पहुंच चुकी है। क्या आप जानते हैं कि देश में सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन कौन सी है? नहीं जानते तो हम बता देते हैं। कन्याकुमारी से जम्मू तवी के बीच चलने वाली हिमसागर सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है, जिसका रूट 3745 किलोमीटर है। भारत में मौजूद 1072 मीटर लंबा खड़गपुर रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। भारत का फेरी क्यून दुनिया का सबसे पुराना इंजन है, जो अभी भी दौड़ता है। हमारे देश में लाइफ लाइन एक्सप्रेस नाम की एक स्पेशल ट्रेन भी है। इस ट्रेन में ऑपरेशन रूम से लेके इलाज की सारी सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों, भारतीय रेल की जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जितना हो सके इस रोचक जानकारी को हर जगह शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक रोचक वीडियो के साथ। जय माता दी, जय हिंद।